ताज नगरी आगरा से हमारे संवाददाता आदित्य मुदगल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, किस तरह अब जो है माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि 1:30 बजे से ऊपर का समय हो गया है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, तो इस समय क्या स्थिति है पोलिंग स्टेशन पर? जी, अगर बिल्कुल आपको पता है, इस वक्त अगर की स्थिति की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से मतदाता अपने घरों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि मैं अपने अपने पीछे का दृश्य दिखाऊं तो साथी कैमरे में अनुरोध करूंगा कि पीछे दिखाएं, तमाम चहलकर्मी, तमाम मतदाता अपने मतदाता केंद्र पहुंच गए। हालांकि सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह जरूर ताजनगरी आगरा में घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन उसके बाद जब धूप खिली तो कहीं हद तक कहा जा सकता है कि ताजनगरी आगरा के जो मतदाता है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और जब वो अपने घर से बाहर निकले तो उनको धूप निकली, और धूप दिखने के बाद अब मतदाता अपने केंद्र पर जाकर अपने मतदाता को इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं यदि ताजनगरी आगरा में 1 बजे तक की बात कर ली जाए तो करीब 36.51% वोटिंग अब तक 1 बजे तक हो गई है। ताजा अपडेट की बात की जाए, पुलिस मुस्तैद काफी है। पुलिस की बात कर लिया, सुरक्षा की बात करें तो तमाम तरह की सुरक्षा भी यहां पर पूरी की गई है। यहां पर 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, मैं अपने जहां पर मैं मौजूद हूं, एक पोलिंग बूथ यहां पर बनाया गया है जहां पर तमाम मतदाता जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा ठीक मेरे पीछे भी है एक पोलिंग बूथ बनाया गया है जहां पर मतदाता अपने मतदाता का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आदित्य, इसके साथ ही चूंकि कोरोना के समय में ये वोटिंग हो रही है इस बार, तो क्या खास इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा की व्यवस्था की आपने जिक्र किया है, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए किस तरह के इंतजाम है? जी बिल्कुल, कोरोना गाइडलाइंस का पूरा बिल्कुल यहाँ ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रशासन यहाँ पर पालन करा रहा है। वहीं यदि मास्क की बात की जाए तो बिना मास्क के किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं कई मतदाता केंद्रों पर यह देखा गया था कि वहां पर कोविड टेस्ट भी लगाई गई है। हालांकि हर जगह कोविड टेस्ट को नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर आप देख सकते हैं तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। तमाम तरीके से यहाँ पर मतदाता अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदाता यहाँ पर मतदान करने के आ रहे हैं, हर कोई यहाँ मास्क लगा रहा है, क्योंकि बिना मास्क की अनुमति यहाँ पर किसी को नहीं दी जा रही है। अगर कोरोना गाइडलाइंस की बात की जाए तो पूरी तरीके फॉलो यहां पर किया जा रहा है। और मतदाता यदि बात की जाए, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं, 1 बजे तक करीब 36% मतदान यहां पर अब तक हो चुका है आगरा में। आदित्य, इसके साथ ही यहां पर क्योंकि कई जगह से ऐसी जो है खबरें भी आ रही हैं, कहीं पर ईवीएम मशीन में जो है गड़बड़ी देखी गई है, तो उस तरह की जो जानकारी है वो भी कई पोलिंग स्टेशन से सामने आ रही है आगरा में, क्योंकि 2 पोलिंग स्टेशन आपके पास ही है, तो यहां से कोई ऐसी खबर अभी तक सामने आई हो? फिलहाल नजदीकी अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो अभी ऐसी आगरा में कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि कुछ देर जब शुरुआत मतदान हुआ था, कुछ पोलिंग स्टेशन से ऐसी सूचना जरूर आई थी कि पोलिंग कुछ समस्या पोलिंग बूथ पर आई है, जिसकी वजह से वहां पर मतदान थोड़ा लेट हुआ। हालांकि अब काफी प्रशासन की मुस्तैदी कहीं हद तक दिखाई है, और अब ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। जहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी वहां पर प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे और वहां पर स्थिति को संभालने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। जी जी, बहुत शुक्रिया आदित्य, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा।